खरगोन जिले के भगवानपुरा तहसील के एक गांव के ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर सभी को चौंका दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में विकास कार्य नहीं होता है और ना ही वर्षों पुरानी सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है। यह मांग पूरी नहीं होने से चुनाव में वह अपने मताधिकार का उपयोग क्यों करें? मामला ग्राम पंचायत ढाबला गांव का है, जहां के ग्रामीणों ने स्पष्ट रूप से पंचायत चुनाव का बहिष्कार का ऐलान किया है। ग्रामीणों ने मांग की है कि गांव की सड़क न बनने से वह नाराज है। इस रोड की हालत बेहद जर्जर है, जो राहगीरों की परेशानी का कारण है। गांव में सड़क की दुर्दशा को लेकर सभी ग्रामीण दुखी है। मुख्य मार्ग से गाँव को जोड़ने वाला करीब 1 किलोमीटर का रास्ता बेहद खराब है। रास्ते में जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, अक्सर लोग इन्हीं में गिरकर चोटिल होते हैं। पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण रास्ते पर कीचड़ के कारण आना जाना मुश्किल हो गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। यहाँ परेशान है, गाड़ी निकालने के लिए, बैलगाड़ी निकालने के लिए हमको खरंजा चाहिए। नहीं तो आपने कभी सचिव से मुलाकात करी, सरपंच से? कोई सरपंच से मुलाकात कर, सरपंच यहाँ एक दो टीरे मुरब नहीं लाई सके। यहाँ एक पाइप यहाँ दबाया, एक पाइप यहाँ दबाया, जो खरंजा तो जो भी उखाड़ के फेंक दिया। एक दिन तो यहाँ पड़ी है, गाड़ी वाले बहुत गिरते हैं। कितना गाड़ी वाले गिरते हैं? कितना परिवार के लोग रहते हैं यहाँ? परिवार कितना लोग रहते हैं यहाँ? तो 200-300 लोग हैं। कब से नहीं बना है, बहुत पुराना है, मतलब बने ही नहीं। खोदे थे यहाँ पे पाइप, यहाँ भी लगा है और यहाँ नहीं। तो सुकृत वगैरह कुछ हुआ है क्या? रोक रहे, बहुत पुराना, 10 साल पुराना बना था। अच्छा, पहले बना था? पहले बना था, पहले बना था 10 साल पहले। इधर आ जाओ। सर, हमारे यहाँ सरपंच नहीं आता, कोई मंत्री नहीं आता, कोई ध्यान नहीं दे रहे यहाँ पे। और 2 साल से हम बोल रहे हैं कि कोई आता ही नहीं यहाँ पे। मुरूम डाल दो, मुरूम भी नहीं डाल रहे हैं। और दोनों साइड यहाँ पाइप लगाए हैं जो नल के लिए, तो खरंजा बहुत पुराना बना था यहाँ 20 साल पहले, वो भी उखाड़ दिए। अब निकलना बहुत परेशान हो रहे हैं, पूरा गांव के लोग, एक ही रास्ता है हमारा यहाँ से निकलते हैं। क्या बारिश में क्या परेशानी आती है? बारिश में तो बहुत गिरते हैं मोटरसाइकिल वाले, गाड़ी बैलगाड़ी से निकलना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? यहाँ पे 400-500 लोग है। अभी ऐसे चुनाव आने वाले हैं, तो बहिष्कार करेंगे हम, चुनाव में वोटिंग नहीं करेंगे हम लोग। क्या नाम है आपका? राजा राम डावर। क्या समस्या आ रही गांव में आपको? हमको समस्या आ रही है ये रोड के, ये खरंजा मांग करते करते 15 साल पहले बना था, ये बैलगाड़ी वाला अभी वेला कर रहा, मोटरसाइकिल नहीं निकल रहे। अभी पानी गिरने वाला है, तो अभी पानी गिर जाएगा तो यहाँ मोटरसाइकिल भी नहीं निकलेगा, वो रोड पर रखे के आ जाएंगे लोग, पैदल आएगा यहाँ। तो परिवार अभी सामने चुनाव आएगा, नहीं तो फिर बहिष्कार करेंगे, तो फिर अभी हमको खरंजा दिलाना चाहिए। कितने परिवार के लोग? परिवार है हमारे यहाँ 400-300 हैगा यहाँ, ज्यादा ज्यादा भी है, वलंग से 500 से बाहर है। क्या आने आने में किसी परेशानी हो रही है आपको? जाने आने में बहुत परेशानी है, पानी का भी, पानी खुल जाए जब यहाँ गाड़ी निकलते, पानी नहीं खुले जब यहाँ पानी, रास्ता भर के पानी आते है। क्या नाम है आपका? आपका नाम गाचा करेंगे आगे चल के? आप आगे चल के ये करेंगे कि अभी जो विधानसभा का चुनाव आ रहा, अगर हमारा ये खरंजा नहीं हुआ तो हम चुनाव में बहिष्कार करेंगे, वोटिंग नहीं करवाएंगे, वोट नहीं डालने जाएंगे। हमारा काम हो जाता है तो करेंगे वोटिंग, नहीं तो वोटिंग नहीं करेंगे विधानसभा चुनाव में भी। यहाँ पैदल जाने की भी बहुत समस्या हो जाती है, पानी बारिश के टाइम में तो इतना कीचड़ हो जाता है यहाँ कि पैदल जाने में भी समस्या रहती, और यहाँ ढोर के और कैसे गेर के ले जाएंगे, कीचड़ में से पानी आता पूरा। कितने साल से परेशान हो रहा है? सर ये तो 8-10 साल से परेशान, पहले 20 साल पहले खरंजा बना हुआ था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कनास है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।